साइबर सिटी में अब मंगलवार को मीट शॉप बैन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल नगर निगम की सदन की बैठक में वार्ड नंबर 19 के पार्षद अश्विनी शर्मा ने सदन की बैठक के दौरान प्रस्ताव रखा कि मंगलवार के दिन मीट शॉप को बंद रखा जाए, जिस पर सदन में मौजूद सभी पार्षदों ने मोहर लगाते हुए सर्वसम्मति से पास कर दिया। अश्विनी शर्मा की माने तो ज्यादातर लोग मंगलवार को मीट खाना पसंद नहीं करते, लेकिन शहर में जगह जगह अवैध मीट शॉप खुली रहती है, जिसके चलते लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती है। वही इस मामले में मीट शॉप संचालकों की माने तो हफ्ते में एक दिन सिर्फ 24 घंटे नहीं बल्कि किसी महीने 4 या किसी महीने 5 दिन होता है, और हमारे देश में किसी भी नागरिक को किसी भी दिन कुछ भी खाने की छूट है, तो ऐसे में ऐसे आदेश क्यों और किसके लिए। वही इस मामले में गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद की माने तो प्रस्ताव पास किया गया है और इसे लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, और अगर किसी ने इसकी अवहेलना की तो उसे भारी जुर्माना राशि के साथ साथ उसकी शॉप को सील भी किया जा सकता है। मेयर की माने तो जो जुर्माना राशि पहले मात्र 500 रुपए थी, उसे भी सदन की बैठक में बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है, और मीट शॉप खोलने के लिए लाइसेंस की फीस को 5000 से बढ़ाकर 10000 कर दिया गया है। वहीं गुरुग्राम से भाजपा विधायक सुधीर सिंगला की माने तो ये आदेश बिल्कुल सही है, लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जी, सारे कानून नगर निगम के पास अपने क्षेत्र के हैं कि वो नगर निगम के अपने उसके अंदर वो कर सकते हैं, उसके अंदर सारा जो दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से उसी कानून के मुताबिक ये काम किए हैं। ये हाउस की मीटिंग के अंदर पास किया गया कल। जी, अश्विनी शर्मा, मैं काउंसलर वार्ड 23। अच्छा अश्विनी जी, मीट की दुकानें मंगलवार को गाजियाबाद और गुड़गांव में बंद रहेंगी जी, ये कब तय हुआ? ऐसा है ये, हाँ जी, इसके अंदर एक चीज़ देखने में ये आई थी कि 1 वीक के अंदर एक दिन की छुट्टी होती है, और इस चीज़ को लेते हुए मंगलवार को जो है बंद करने का ये फैसला लिया गया। कल हमारी हाउस की मीटिंग थी, मैं सभी पार्षदों का और हाउस का और कमिश्नर साहब का, मेयर साहब का, पूरी टीम का मैं पहले सबसे पहले धन्यवाद करूँगा कि इस मामले को मैंने काफ़ी बार उठाया था। 3 साल के अंदर एक प्राथमिकता से इस चीज़ को कल किया गया कि उन लोगों को, एक तो जो अनऑथराइज जितने भी मीट की शॉप्स हैं या रेडियों पे जो बेचते थे, खुले में बेचते थे, उनको इमीडिएट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दूसरा ये था कि जो इनका जो फीस थी उसको, फीस को बढ़ाकर 10000 रुपये किया गया है, और जो पेनल्टी क्लॉजेज हैं, पेनल्टी क्लॉजेज उसका जो 500 रुपये की होती थी उसको 10 गुना किया गया है। तो मंगलवार को अब हम ये कहें कि जो मांस की, जो मीट की दुकान है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी गुड़गांव में? जी, मीट की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी, बिल्कुल। ये आदेश हो गया जी नगर निगम की तरफ से, पुलिस वगैरह को सबको नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। तो ये जो रेडियो पर जो शाम को बिकते हैं, जो खाने वाले जो तैयार, वो क्या वो भी पूरी तरीके से बंद? नहीं, देखिए मीट जो है, मैं यही कहूँगा कि इसके अंदर हर आदमी का वो नहीं है कि भी मीट हर कोई खाता है, जिसको खाना है वो हाइजेनिक कहीं अच्छी जगह पे, कहीं स्टोर के ऊपर उससे खरीदे, वही ये रेडियो से ना खरीदें। इसके अंदर बीमारियां बहुत होती हैं, जगह जगह पे आप देखोगे कॉलोनियों के अंदर घर से नहीं निकला जाता किसी से, हर कॉलोनी के अंदर 2-4 मीट की दुकानें हैं, कॉलोनियों के अंदर बिल्कुल नहीं है, बैन कर दिया है बिल्कुल कि कॉलोनियों से ये बाहर होंगी, और कहीं ऐसी शॉप्स के अंदर होंगी जिसके अंदर से बाहर लिखा मिलेगा लेकिन बाहर नज़र नहीं आएगा कि मीट बेच रहे हैं ये लोग। जी, खुले में मीट नहीं बेच पाएंगे जी। प्लॉट थे उनके ऊपर जो शिकायतें हमने, नहीं एक्चुअली क्या है कि पूरे हाउस की मीटिंग में सभी पार्षदों के जरिए ये मुद्दा उठा था कि हर जगह मीट की शॉप्स बन रही हैं, चाहे वो सड़क के किनारे हों, चाहे सड़क पे के बीचों में रेड़ियां ले लेके लोग खड़े हो जाते हैं, तो इससे आने जाने वालों को भी बहुत असुविधा होती है कि जिससे कि बहुत परेशानियाँ होती हैं, और हर रेजिडेंट एरिए में लोग खोल खोल के बैठ जाते हैं बिना कानून के। जो हमारा लॉ है, जो नियम लागू कर रखे हैं, उसमें कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल भी कायम नहीं करते, और हर रेजिडेंट का ये इशू होता है कि जी हमारा रहने का घर है और हमारे घर के साथ में मीट शॉप्स खोल दिए हैं, तो उसके ऊपर जो शहर के निवासियों का, जो इतने सारे हमारे पास जो आए हैं, एप्लीकेशंस भी आई हैं, लोगों ने शिकायत करी हैं फ़ोनों पर, सभी पार्षद हमारे बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ से, तो शहर में हर जगह ये अवैध जो काम चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए एक तो हमने ये करा है कि भी
मीट शॉप्स का जो हमारा जो जुर्माना हम लगाते हैं वो 500 रुपये होता है। वो हर मीट वाला दुकान वाला जो कहीं रेड़ी पे भी खड़ा है या कहीं भी खड़ा है वो हम आराम से दे देता था, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती थी। तो इसमें इस जुर्माने को बढ़ाया गया है हमारा, इसको 5000 रुपये करा गया है। और जो हमारी साल की जो वो भरते हैं अपनी तो फीस, उसको भी हमने थोड़ा बढ़ाया गया है। तो इसी को देखते हुए कि हर व्यक्ति नहीं खड़ा होगा, हर व्यक्ति नहीं खोल पाएगा जो ये इस तरीके से रेडियों पे लेके खड़े हो जाते हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए भी। और जो हमारे शहर में एक दिन होता है कि एक दिन शॉप ज़रूर बंद होती हैं, तो ये सारी डिमांड्सों को देखते हुए, सारे पार्षदों की भी और वैसे भी जनता की भी देखते हुए कि मंगलवार को ये ऑफ रखी जाए, क्योंकि 80% लोग हमारे मंगलवार को नहीं खाते, 20% खाते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा वो नहीं है कि भी जो उनको कहीं और से ना मिले, वो बाहर जाके भी अपना कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये है कि मंगलवार को अपने शहर में गुरुग्राम में मंगलवार को हमने बंद कर रखने की, कि भी एक हफ्ते में जो रखा जाता है आप और कोई दिन ना चुन के मंगलवार चुन के उसको मंगलवार को ऑफ कर दिया। शॉपिंग मॉल में मॉल्स के अंदर भी बंद कराएंगे आप क्या? देखो जी, अगर जिस तरीके से मार्केटों में बिक रहा होता है कि खुले में वो चीज़ होगी तो वो होना चाहिए, ज़रूरी है, ये तो हमारा रूल। जहाँ अगर शहर के अंदर है तो वो सारे मॉल्स में भी होना चाहिए और वो पूरा लागू कराएंगे हम लोग। नहीं, अगर नहीं बंद करते हैं तो क्या कुछ इसके नहीं, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे फिर हम, कि भी जब एक दिन रख रखा है, मॉल्स भी बंद होते हैं एक दिन तो हर जगह का हो चुका है, कि भी कई जगह तो मंगलवार को ही बंद रखते हैं मार्केट्स, आपने देखा भी होगा शहर में हमारे व्यापार इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में भी बीच में बंद रखा था मंगलवार को, फिर उन्होंने चेंज करा थोड़ा सा, तो ये तो रूटीन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लोगों को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन खाने पीने की चीज़ों पर तो वो दुकानें तो सारे दिन खुली रहती है। देखो जी, जो वैसा मटेरियल होता है जो एकदम फ्रेश होता है वो शायद नहीं मिलता मॉल्स में, नहीं मिलता मॉल्स के बाहर ही मिलता है, तो वो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा किसी को। ये जो नियम है ये सिर्फ जो कच्चा मांस बिकता है दुकानों पे उसके लिए है, या फिर जो रेडियों पर बना बनाया भी बिकता है, जो जगह जगह ठेले लगे रहते हैं उनके लिए? नहीं नहीं, जो कच्चा मीट जो बिकता है उनके लिए ज़्यादा है, और जो रेड़ियों पे ये जो खाना बनाने वाला है या वैसा है, ये तो लोगों को खुद को पता है कि उनके लिए कितना हानिकारक होता है, तो वो वैसे ही नहीं लोग लेते। मैडम, क्या जो एसोसिएशन थी, मीट एसोसिएशन है या फिर जो चिकन की शॉप्स है, इनको विश्वास में लिया गया था इस आदेश से पहले, या सिर्फ पार्षदों के द्वारा जो शिकायत की जा रही? नहीं जी, पूरे शहर की शिकायत है, ये पार्षदों की नहीं, पूरे शहर की शिकायत है, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं हमें ये ज़रूर सुनने को मिलता है कि जी हर कोने में ये मीट शॉप्स खुली हुई हैं, किसी भी वार्ड में चले जाओ, किसी भी इलाके में चले जाओ, वहाँ पे ज़रूर शिकायतें मिलती हैं इस चीज़ की, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं कि जिनका हर चीज़ का होता है कि भी पूरी गंदगी होती है, कई जगह अवैध जो खुली हुई हैं उनमें बिल्कुल भी कोई भी चीज़ का पालन नहीं होता, तो उस पालन की मद्देनज़र रखते हुए कि एक रेजिडेंट एरिया में ना हो, सबसे बड़ी बात। हाउस में पास कर दिया गया हमने, हाउस में पास किया। अच्छा, एक बात बता कि कितनी लाइसेंसी दुकानें हैं मीट की गुड़गांव में और कितनी अवैध चल रही हैं, तो क्या अवैध जो दुकानें चल रही हैं बिना लाइसेंस के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई अभियान चलाया जाएगा? बिल्कुल अभियान चलाया जाएगा जी, और पूरी कार्रवाई होगी, जो अवैध खुली हुई हैं बिना नॉर्म्स के खुली हुई हैं उनको पूरा बंद करा जाएगा। और हमारे जो हैं, हमारे सिर्फ अभी तक 129 हमारे वो थे लाइसेंस थे, जिसकी वजह से अब लोग खाने वाले हमारे, आपको पता ही है कि शहरों में ज़्यादा होते हैं, तो नॉन्स को वो करते हुए, क्योंकि पीछे सीएम साहब ने भी एक मीटिंग में बोला था जब लोगों ने शिकायत करी कि इस तरीके का है, तो उसमें भी कि भी लाइसेंस खोले जाएं, ये करे जाएं, तो उस समय बोल दिया था सीएम साहब ने भी कि भी निगम की मेयर बैठी हुई हैं, इनसे आप बात करिए और जो भी देखते हुए अच्छी तरह से कोई जो भी काम होगा वो आगे होगा। जो लाइसेंस, हाँ लाइसेंस हमारे खोले गए हैं, कल हाउस की मीटिंग में सबने पास किया है कि लाइसेंस खोले जाएं, क्योंकि जो अवैध चल रही है बहुत, क्योंकि 10,000 के करीब सुनने में आता है कि पूरे शहरों में हर जगह बैठे हुए, तो वो ख़त्म भी होगा उस तरीके से, क्योंकि जो हमारे अनाउंस हैं वो पूरा जो नहीं कर पाएगा उसको बिल्कुल सील कर दिया जाएगा। हाँ, उसका बढ़ाया गया, पचास 50,000 के करीब लाइसेंस का वो किया गया है, और
जो फीस है हमारी, जो जुर्माना फीस है, वो पहले 500 रुपये करती थी, अब 5000 करेंगे, जिससे हमारे निगम का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हमारी जो अवैध दुकानें जो चल रही हैं वो ख़त्म होंगी। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? यही कहना चाहेंगे जनाब कि जो मॉलों में या इधर उधर दुकानें हैं वो तो सबकी बंद हो, यहाँ बाजार में आके बंद कराएं, ये गलत है। होनी हो तो सबकी, या मॉल में हो या किसी सेक्टर में हो, कहीं भी हो, सबको बंद हो, बस अभी बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे रेंट जो है दुकानों को 1,00,000 रुपये, 90,000 रुपये सबका, किसी भी आप दुकान पर जाओगे इससे कम नहीं है। वो रेंट कहाँ से आएगा? कोई मालिक मानेगा नहीं कहीं भी कि भाई हमें 4 दिन बंद है, तो नहीं मानेगा वो। 5-5, 6-6, 10-10 वर्कर तो ये आज़ाद देश है हिंदुस्तान, इसमें कोई मंगलवार को खाए या फ्राइडे को खाए, कोई भी दिन खाए, जिसको नहीं खाना वो मीट मार्केट मत आए, जिनको खाना है वो खा सकता है। तो आप अपनी बात को लेकर जाएंगे क्या? तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे सर, आगे भी जाएंगे, बस इतना ही कहना है सर। ठीक, ओके। एक मिनट, मैं पूछ लूंगा। सबसे पहले नाम जी? मेरा नाम नसीर कुरैशी। नसीर भाई क्या कहेंगे जिस तरह का ये कहेंगे जी, ये 4 महीने में 4-5 दिन बंद रहेगा, इनका किराया इतना महंगा दुकान का, ये मजदूर भी है, लेबर भी है, ये कहाँ से आएंगे इनके पैसे, तनख्वाह के कहाँ से आएंगे इनके? दुकान मालिक ये जो मालिक हैं जिन पर से किराए पे ले रखे हमने दुकान, ये कैसे मान जाएंगे? इनके बारे में भी सोचे कुछ? और जैसे चल रही है आज़ाद देश है, कोई मंगल खाना चाहे तो मंगल खाए, कोई कभी भी खा सकता है भाई, उनकी मर्जी, ये तो गलत आदेश है। नहीं, क्या इसको लेकर आप जिला प्रशासन के पास? हाँ, जाएंगे, बात करेंगे, आगे क्या करना है, आप मीटिंग करेंगे, जो हमारे यहाँ मार्केट का प्रधान है ताहिर, उससे जो मैं अभी नवाज पढ़ने गया उससे बैठ कर मार्केट वाले इकट्ठा होकर बात करेंगे, जब जो भी होगा निर्णय वो अपने बात हाँ, मीट की दुकान के लिए हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल इशू हो, मंगलवार को बहुत अधिक संख्या में लोग खाते नहीं हैं, और थोड़े से लोग जो है अगर खाते हैं वो तो उन लोगों की भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुँचती है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई अगर ये मंगलवार को बंद करते हैं तो मैं भी उसके तरफ, मेरा भी स्टेप जो है वो यही रहे। सर, अभी जैसे किसान आंदोलन है वहाँ भीड़ अभी भी उसी तरीके से बरकरार है, और सर वहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेके काफ़ी ढील दी जा रही है, तो आपका क्या? नहीं, सेफ्टी की प्रिकॉशंस के लिए कोई ढील नहीं दी जा रही सर, किसानों की तरफ से वहाँ पर वैक्सीनेशन का काम भी हमने शुरू कर दिया है, और बाकी वो लोग बैठते हैं जब उनको पता है कि ऐसी बीमारी के दंड नहीं बैठना चाहिए, लेकिन वो बैठते हैं, तो जनतांत्रिक हमारा तो साफ साफ कह दिया ये अफवाह है। क्या ये कोविड को लेकर उन्होंने बोल दिया ये अफवाह है, ये झूठ है? चलो अफवाह बन जाए तो बहुत अच्छी बात है जी, अगर ये अफवाह ही रह जाए तो इससे बड़ी बात क्या होती है। हरियाणा में भी कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन लोग मास्क का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वैसे मास्क लगाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है जो बना के रखें, थोड़े थोड़े लोगों के अंदर जो है अपने फंक्शंस करें वो, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब हैं, और बहुत ज़्यादा अभी संख्या में बढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा बढ़ना जरूर शुरू हुआ है, कुछ गर्मी का भी सीज़न है जिसके अंदर ये बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा है कि लॉकडाउन की या कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।